हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर कुछ नेम लिखे हुए हैं। ऊपर मैंने टाइटल दिया हुआ है नेम, इसे मैं एक डिफरेंट कलर में रख देता हूं। लाइक यहां पे देखिए, ये डिफरेंट कलर, तो यहां पे मैंने एक डिफरेंट कलर दे दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर पहले इसको सिलेक्शन में ले लीजिए, आपको केवल सिलेक्शन में लेना है इसको। और सिलेक्शन में लेने के बाद हमें एक शॉर्टकट की दबानी है, और वो शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्रेस करना है सेलेक्ट करने के बाद। देखिए, जितना पार्ट आप सिलेक्शन में लेंगे, जैसे मैंने यहां से राजकुमार से लेना चालू किया है, उतना ही पार्ट आपका स्प्लिट होकर आएगा। तो देखिए, तीन पार्ट में चाहिए, दो पार्ट में, ये अपने आप सेट कर लेगा। तो अभी देखते हैं कैसे करेगा। तो आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से अल्ट, ठीक है, फिर प्रेस करना है ए, फिर प्रेस करना है ई। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम्स विजार्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है डी लिमिट। ठीक है, और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, स्पेस दिया हुआ है हमने दो नेम्स के बीच में, तो यहां पर देख सकते हैं नीचे दिखा रहा है कि किस तरीके से ये आएगा। ठीक है, और बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए आप। ये देखिए, ये नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक किया एक बार और अब यहां से हम इसको कर देंगे फिनिश। तो जैसे ही फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से नाम दिया गया है उसी हिसाब से ये अलग अलग कॉलम्स में आ गया है। तो ये अल्ट के साथ आपको ए और ई प्रेस करना है, और ये काम आप कर पाएंगे बहुत ही ज्यादा इजिली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।